हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एच के गाउन क्लासेस। तो गाइस, आज हमारा नया चैप्टर है, नए एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी के लिए। आज देखो, हमारे पास है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। आज आप जानोगे प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व्स क्या होते हैं। अलग अलग मीनिंग है दोनों का, अलग अलग सिचुएशन पे यूज करते हैं। बस देखो, बस थोड़ा सा डिफरेंस, छोटा सा ही डिफरेंस इस बीच है, डेफिनेशन के साथ समझते हैं इसको। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कर लेना, ठीक है। चलो, प्रोविजंस क्या होते हैं। द टर्म प्रोविजन रिफर टू द अमाउंट चार्ज टू द प्रॉफिट। यहाँ देखो, ये वर्डिंग याद रखना, चार्ज टू द प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई द वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया आपको, फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे बनाते नहीं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, है ना। तो वो सब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स और एनी लाइबिलिटी, नोन लाइबिलिटी। पहली बात, नोन लाइबिलिटी, ठीक है। अननोन लाइबिलिटी नहीं, जैसे अब ऐसे तो आप किसी प्रोविजन बनाओगे, अरे मुझे चोट लगने ही वाला है, मैं 5,000 निकाल के रख लेता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो ही जाएगा, मैं 5,000 निकाल के रखता हूँ, ये नहीं होता ना, ये पॉसिबल नहीं होता। मतलब आप ऐसे पैसे निकाल के नहीं रखते हो। नोन लाइबिलिटी मतलब जो हमें पता हो ऐसा हो सकता है। डेप्रिसिएशन, हमें पता है कि भाई डेप्रिसिएशन तो चार्ज होना ही होना है, हमने कोई एसेट खरीदा है तो उस पर हम अपना डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज करेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं जितना अमाउंट आज है उतना अमाउंट कल भी होगा, ठीक है। चलो, ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, जो कि देखो पहली बात, इस पे सब लोग एकदम करेक्टली हम उसको हम नहीं जान पाते हैं उसका मेन अमाउंट। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास जो एसेट है, जो आप फर्नीचर, आप जो भी एसेट यूज करते हो, वो तो आपको कहता नहीं है कि मुझे 20% ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना, नहीं मुझे 10% ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना, नहीं मुझे 15% ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना। ऐसा नहीं होता ना, आप अपने मन से अपना परसेंटेज देखो सेट करते हो। आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी देखे ही होंगे कि इसमें देखो 20% चार्ज होता है, किसी में 10% चार्ज होता है। तो ये आपका मेथड है चार्ज करने का। अब देखो मेथड भी अलग होते हैं, इसके स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया, तो हर चीज़ के मेथड भी अलग होते हैं। इसको तो हम करेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग अमाउंट पे हमारा आंसर भी आता है, तो ये हमारा डिटरमाइन नहीं हो पाता एकदम करेक्ट वे में, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोविजन। रिजर्व्स, रिजर्व्स रिफर टू द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद वाले अमाउंट को हम इसमें रिजर्व बना के रखते हैं, ऐसे समझो, ऑफ द बिजनेस विद द व्यू टू स्ट्रेंथन इन फाइनेंशियल पोजिशन। देखो अब इसको हम इसलिए बना के रखते हैं कि जब भी हमारी फाइनेंशियल पोजिशन जब भी थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो उसको हम संभाल के रखते हैं अपने पास, कुछ पैसे हमारे पास, कुछ पैसे हमारे पास जेब में रहेंगे जो हमें आने वाली फ्यूचर्स में जब हमारे पास एनी फाइनेंशियल कंडीशन में हमारे कोई, मान लो हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास पैसे कुछ रखे हुए हैं। तो ये होता है रिजर्व। जैसे मैंने आपको एग्जांपल इसमें बताया ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, ये हो गए हमारे प्रोविजन के। देखो डेटर्स के प्रोविजन भी बनाते हैं वो सारे जितने भी आते हैं प्रोविजन में, बट रिजर्व वाले में हमारे हो गए देखो जनरल रिजर्व, ये सारे जितने रिजर्व्स होते हैं ना, हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, जब आप पार्टनरशिप देखो उसमें सारे पार्टनर्स को बांट दिए जाते हैं। और हो गए कैपिटल रिजर्व, हो गए तो कैपिटल के लिए आप रिजर्व बना के रखते हो। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, टू एसर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी। देखो जो हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं ना, उस वो हमारा हेल्प करता है एकदम करेक्ट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बताने में। क्योंकि देखो जब अभी हम अपने आगे चैप्टर्स में भी जानेंगे, जब हम अपना प्रोविजन जब भी बनाते हैं किसी भी चीज़ का, अगर आपने देखो अभी एग्जांपल में मैंने बताया था अपने पिछले वाली वीडियो में, जिसमें आपने देखा होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं, तो हमारा वो करेक्ट वैल्यू होता है ना। तो उसको हम चार्ज करते हैं, जैसे आपने 15% चार्ज किया, 20% चार्ज, जितना चार्ज किया आप अपने हिसाब से, तो करेक्ट अमाउंट आप लिखोगे, उसी के बिहाफ पे आप अपना प्रॉफिट निकाल लोगे ना। उस पर देखो चार्ज करते हैं, अपने प्रॉफिट पे हम चार्ज करते हैं, तो ये एकदम करेक्ट वैल्यू हेल्प करता है आपको बताने में कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे प्रोविजन पे, करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है। चलो, टू एसर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटिटी। अब देखो, अब जब हमें एकदम करेक्ट वैल्यू पता रहेगा अपने प्रॉफिट का कि हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अपना अर्न किया, तो आपको पता चलेगा ना हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की। हमारा प्रॉफिट पहले 1 लाख होता था तो हम यहाँ पे थे, आज हमारा प्रॉफिट 3 लाख हुआ है, आज हम यहाँ पर है। तो हमारा ये जो गैप मेंटेन करने का जो डिफरेंस बताया कि हम इतनी ऊंचाई पर आज हम पहुंचे, तो कैसे प्रॉफिट से कि हमारा एकदम करेक्ट प्रॉफिट हमें पता चला, तो उसके हेल्प से हमने जाना कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो ये भी हेल्प करता है हमारा प्रोविजन इंपॉर्टेंस बताने में। चलो, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर नोन लाइबिलिटी इन फ्यूचर। अब हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं लगे, अब हमारे बिजनेस का ग्रोथ होने लगा, तो उसके बाद हम अलग से पैसा निकाल के रखेंगे अपने बिजनेस में
कि हमारे कोई भी बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह का अनसर्टेनिटी हो, तो हम पैसा निकाल सकते हैं उसमें से। अगर पैसा हमें ज़रूरत पड़ा तो हमने निकाल लिया, अपना रिजर्व मेंटेन कर लिए, मतलब पैसे निकाल लिए ऐसे समझो, ठीक है। रिजर्व का टॉपिक अलग होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब इसका मैं एकदम करेक्ट एग्जांपल लेता हूँ अभी आप सभी के लिए। जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हो तो अगर उसका एक्सपेंस क्या हो सकता है, उसके लिए हम फ़ोन रिचार्ज कराते हैं तो उसके लिए पैसे देते हो आप, तो उसके लिए अलग से आप पैसे निकाल के रख लेते हो, उसको हमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हो टाइम टू टाइम। जब भी आपका रिचार्ज खत्म होता है फिर आप पैसे लगाते हो, फिर आपका रिचार्ज खत्म हो गया 6 महीने का जितना भी आप कराते होगे, फिर रिचार्ज खत्म हो गया फिर आपने पैसे लगाए, तो ये अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल अमाउंट में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने एक्सपेंसेस पे। जितना जैसे फ़ोन मैंने एग्जांपल दिया, और भी एग्जांपल्स है, आप रिपेयर करा लो अपने मशीनरी को, आप अपने फर्नीचर को रिपेयर करा लो, आप किसी भी एसेट को करा लो, मैंने तो एक एग्जांपल दिया, कई एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। चलो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या होता है, देखो प्रूडेंस मतलब आप समझ सकते हो कि सावधानी, अपना प्रोविजन आप इसलिए मेंटेन करते हो अपनी एक सावधानी के लिए कि मुझे कभी भी इन फ्यूचर कोई भी तरीके की दिक्कत हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैं अपने प्रॉब्लम को कवर अप कर सकता हूँ। एज आप समझ सकते हो कि आपके पास पैसे हैं और आपका गुडविल है, नाम है, आपको कोई तरह की प्रॉब्लम आ गई, आपका नाम ना खराब हो, उसके आप पैसे रखे हैं तो आप उस पैसे को यूज़ कर लो, आपकी वैल्यू डाउन ना हो। ये कुछ प्रोविजन हमारे जरूरी होते हैं, उसे कहते हैं हमारा प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, हमें जरूरत पड़ेगी जब हमारे किसी भी तरीके का अनसर्टेनिटी होगा, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस जब भी हमें दिक्कत हो। अब चलो देखते हैं हम अपना इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व में देखो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलो स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजिशन। हमारा जो रिजर्व्स होता है, जो हम रिजर्व मेंटेन करते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है। जैसे कि आपने देखा था अभी प्रोविजन भी हेल्प करता है, वैसे रिजर्व्स भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जब बिगड़ जाए उस समय हमें बूस्ट करने की, उसे कहते हैं स्ट्रेंथन ऑफ फाइनेंशियल पोजिशंस, ठीक है। चलो यूज्ड फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। देखो डिविडेंड होता क्या है, हम जो आउट ऑफ प्रॉफिट, जैसे हमने देखा था रिजर्व जो होता है आउट ऑफ प्रॉफिट बढ़ता है, वही हो गया हमारा डिविडेंड जो होता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट इक्वल पार्ट में लोगों को बढ़ता है, तो ये था यूज फॉर इक्वलाइजेशन फॉर डिविडेंड्स। चलो प्रोविडेंट फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपने पैसे अलग से निकाल के रखते हैं कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी उसको हम निकाल लेंगे। जैसे हम कुछ हेल्थ कंडीशन के लिए अलग से पैसे निकाल लिए कि अगर मान लो किसी वर्कर की थोड़ी सी भी तबीयत बिगड़ी या उसको चोट लगा तो उसके लिए रिजर्व इसलिए मेंटेन करते हैं कि उसको अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको पैसे दे सके, हमारे पास से तुरंत ना जाए, उसके लिए अलग से मेंटेन करके रखे पैसे हम, ठीक है। चलो यूज टू मीट अनफॉर्चुन लॉस और लाइबिलिटी। देखो जरूरी तो नहीं है हमें पता है कि उसको लगेगा, क्या पता उसको हम अगर पैसे निकाल के रख रहे हो मगर वो पैसे हमारे पास बच जाए, उसको चोट ही ना लगे, हम जिस चीज के लिए अपने जैसे किसी की तबीयत बिगड़ने वाली है वर्कर की, हम सोच के अगर पैसे रखे हैं निकाल के बट उसकी तबीयत बिगड़े ही ना, तो वो अनफॉर्चुन होता है, हमने देखा नहीं, तो वो खाली सोच के रखते हैं अपने माइंड थिंकिंग हमें अपने कि अगर मान लो ऐसा हो जाए, अब जरूरी तो है नहीं कि अब उसका तबीयत खराब हो ही हो तब हम उसको पैसे देंगे, ऐसे नहीं, वो हम अपने माइंड में थिंकिंग करते हैं कि इसके लिए अलग से हम रिजर्व बना के रख लें, अलग से पैसे निकाल के रख लें कि अगर जरूरत पड़ेगी उसको हम निकाल लेंगे। अब देखो गाइस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम उठाते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स के कितने टाइप्स होते हैं, देखो इसमें तो मेन हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स हैं और कैपिटल रिजर्व हैं, बट रेवेन्यू रिजर्व के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो काफी इजी है टॉपिक, ध्यान से समझना वीडियो को अच्छे से। चलो रेवेन्यू रिजर्व अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, आपको इतना तो पता है रिजर्व हम बनाते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के बिहाफ पर रहता है, मतलब प्रॉफिट के आउट ऑफ प्रॉफिट रहता है जो ना, तो उसको कहते हैं हम अपना रिजर्व। तो ये रिवेन्यू रिजर्व था हमारा, समझ लेना कि उसको अपने रिवेन्यू पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, अपना अलग से रिजर्व बना के रखते हैं कि हमें कभी भी जरूरत पड़े तो वो बेसिस पे हम निकाल के रखते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट रहता है समझ लो, ठीक है। वर्डिंग को पकड़ने की कोशिश करो, देखो छोटे छोटे वर्ड्स ही हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं अपने डेफिनेशन को क्रिएट करने के लिए, तो वर्डिंग जान जाओगे डेफिनेशन अपने आप क्रिएट हो जाएगी, है ना। चलो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व देखो पहले तो हमारे दो अलग अलग इसके टाइप होते हैं, एक जनरल रिजर्व होते हैं, एक स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं।
नाम से साउंड में आ रहा होगा, जनरल रिजर्व जो हर पर्पस के लिए यूज कर सके, हर एक चीज के लिए उसको हम यूज कर सकते हो तो वो जनरल रिजर्व, और हमारा हो गया स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो यूज करते हो तो स्पेसिफिक रिजर्व जो एक चीज के लिए, उसको अगर एक चीज के लिए अगर आपने पैसे निकाले, जैसे आपने है ना बहुत लोग जो अलग से पैसे निकाले, हाँ मुझे तो आईफोन लेना है, इसको पैसे को मैं नहीं छूंगा, है ना, तो अलग से पैसे निकाल दिए आप उसको नहीं छूओगे, तो अलग पर्पस के लिए आप पैसे निकालिए तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स के लिए, ठीक है। तो अनफॉरसीन कॉन्टिजेंसी होती है, अनफॉरसीन लाइबिलिटी होती है, जो हमने सोचा ना हो, जो हमने इमेजिन ना किया हो कि ऐसा भी हो सकता है, तो अलग से मतलब एक अलग से पैसा निकाल लो कि भाई चोट लग सकती है, पैसा निकाल लिया जस्ट लाइक ठीक है। चलो जैसे इसको और क्या कह सकते हैं, फ्री रिजर्व, इसको फ्री रिजर्व भी कहते हैं हम, इसका एक और टर्म है याद रखना ये भी, ठीक है। चलो स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो यूज हो, है ना, एकदम करेक्ट डेफिनेशन इसकी, जो कि हम इसको अलग से यूज करें, जिसका पर्पज ही सिर्फ एक चीज के लिए हो, एक माध्यम के लिए हमने यूज किया जाए, उसे कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, है ना। इसके देखो दो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी जानोगे आप ट्वेल्थ में आएगा, जब पार्टनरशिप जानोगे ना तो उसमें हमें जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन चीजों को, तो वो भी आप जानोगे आगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, ये दो चीजें भी हमारी होती हैं जो जाती हैं स्पेसिफिकली यूज किया जाता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए हमारे स्पेसिफिक रिजर्व्स में। कैपिटल रिजर्व देखो, अब ये दूसरा टॉपिक आ गया, बिसाइड द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस एंटिटी। अब देखो ये ऐसी वाली प्रॉफिट होती है हमारे लिए जो कि हमारे डेली बेसिस पे नहीं करते हैं, जो ऐसे समझो प्रॉफिट के बाद हमारे मेन बिजनेस का ये प्रॉफिट नहीं होता है, ये अलग प्रॉफिट हम अर्न करते हैं। उसका एग्जाम्पल देखो थोड़ा आपको ईजी पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब समझो हमने एक मान लो कोई एसेट खरीद लिया अपने लिए, ठीक है, तो उसको बेचने लगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे भाई उसके ऊपर बेचोगे तो, पर हमें उसको प्रॉफिट हो गया, मान लो हमें उसको बेच रहा था 100,000 रुपए में, हमने 200,000 मशीनरी मानो खरीदी, कुछ साल हमने यूज किया, 100,000 उसका आज उसका प्रेजेंट टाइम में उसका दाम है और हमको उसके 120,000 मिल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। समझ गए सारे टॉपिक्स, तो ये वीडियो पूरी कैसी लगी, एक पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आप सभी को बताने की कोशिश किया रिजर्व्स और प्रोविजंस पर। तो अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ भी, ये तो हमारा सिर्फ थ्योरी चैप्टर था, अब मिलेंगे हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर के साथ भी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जरूर से हमारे चैनल में बने रहें, पूरा सपोर्ट करते रहे अपने इस चैनल को, मैं भी आप सभी को पूरा सपोर्ट करूँगी, आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँ। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।